कम से बीएसपी के साथ हूँ और प्रयास करूंगा कि बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूती से अभी जो है स्टेटों में उनकी सरकार है, तो बीजेपी को हराने के लिए संविधान समर्थकों का जो एक बहुजन पूरा समूह है उसको इकट्ठा करूँ और प्रयास ऐसा ही मेरे इसमें, अगर समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल और बीएसपी का गठबंधन यूपी में हो जाए तो मेरे, मैं जहां तक समाज पॉलिटिकल नॉलेज रखता हूं तो बीजेपी को शायद एक सीट भी ना मिले। वही सवाल था कि बसपा का अगर बीजेपी से गठबंधन हो जाता है तो भीम आर्मी दलित लोगों से किस तरह की रिक्वायरमेंट करेगी, किस तरह की मांग करेगी, किन्हें वोट देना है? देखिए जी, समय बताएगा किससे किसका गठबंधन होगा। ये मतलब मेरी दिली इच्छा है ना कि ऐसा हो जाए, अगर जब कुछ होगा तो फिर दोबारा जवाब ले लीजिएगा। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, आपने कहा हिंसा हुई, जो लोग खुद न्याय की डिमांड कर रहे हैं, जो जिनके खुद अधिकार छीन लेंगे वो हिंसा करने तो नहीं जाएंगे। बेसिकली आदमी रोड पे कब आता है? जब बिल्कुल मजबूर रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती, वो रोड पे आए और पुलिस की गोली द्वारा मारे गए, कुछ दूसरे भी गोली द्वारा मारे गए, तो इसका मतलब हिंसा तो दूसरे लोगों ने की। अगर उनके द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति मरता, मतलब इस आंदोलन में कोई अदर जाति का व्यक्ति मरता, तो मैं मानता हूं दलितों ने हिंसा की। अब हिंसा जिन लोगों ने की उनकी वजह से दूसरे लोग मरे, यानी कि हमारे लोग मरे, तो कुल मिला के वो पराजित थी कि जब इन्होंने देखा कि आपका आंदोलन बहुत मजबूती से काम कर रहा है, बहुत मजबूती से पूरे देश में भारत बंद की कॉल जो है सफल हो रही है, तो इन्होंने हमारे संवैधानिक आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए अपने लोगों को भेज के, संघ के लोगों को भेज के वो हिंसा कराए, हमारे लोगों को मारा। इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। यूपी में अपराध 2019 में इसका जवाब देना पड़ेगा। यूपी में अपराध को किस श्रेणी में देख रहे हैं आप? चरम पे है। अब दलित और मुसलमानों को दे तो बिल्कुल उस पर है, उठा के किसी मुसलमान गोली मारते थे, इनकाउंटर करते, बाद में जांच के नाम पे कहते कौन जांच कौन बोलेगा, क्योंकि कोई नेता बोलना नहीं चाहता। तो मैं अभी प्रयास करूंगा कि जब बहुजनों की सरकार आएगी तो इनकी सबकी जांच हो, ठीक है। अभी किसी ओबीसी को उठा के मार देते, किसी दलित को उठा के मार देते। अभी देखो, मैं जब जेल में था, सैकड़ों लोगों को जब मैंने पूछा कि कैसे आए, तो बताया गया कि साहब बस घर से उठा के लाए और जेल भेज दे गोली मार के। तो इस सरकार ने जो तांडव किया है ना, एक जाति विशेष को टारगेट बना के, जो ये पीड़ित कमजोर लोग हैं, तो ये इसका हर्जाना है, ये सर लोग इनको दे देंगे जब 2019 का चुनाव आए। किसी तरह की ओर से अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण को लेकर जो बीजेपी अब नया मुद्दा ला रही है जी, तो क्या आस्था, आप आस्था से देखते हैं इसको, या राम मंदिर निर्माण हो जाए, या फिर देखिए ये अपना निजी फायदा है। 2.5 साल तो कुछ मिला नहीं, 4.5 साल तो बात करते रहे, प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बन के बाहर घूमते रहे और काला धन वापस आने की, रोजगार देने की बात कर रहे थे, और दलितों को भी कहते बड़े बड़े मुद्दे, दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, दलितों को न्याय दूंगा, बदलाव करूंगा, कोई व्यवस्था में तो बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अब अपने राजनीतिक फायदे के लिए फिर आस्था की, तो ये आस्था नहीं है, ये समाज को गुमराह करने तोड़ने की एक साजिश है कि जिससे कि चुनाव में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा सके। इस बार सब लोग समझ रहे हैं, इवन आप पूरा ओबीसी समाज समझ रहा है कि धर्म के नाम पर इनको राजनीति नहीं करने देंगे इस बार। आपके समाज में क्या मुस्लिम समाज से दलित काफी हैं, तो वो आपके समाज से जुड़े हुए हैं आपके संस्था से? जी, पूरा ओबीसी मूवमेंट छोड़िए, आप बिजनौर रैली आप लोग आइएगा, मैं आप लोगों को इनविटेशन देता हूँ 19 तारीख में।